हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। मैं आया हूँ कुश निकालने। कुश की पूजा में मतलब ज़रूरत होती है। बाइक मेरी वो खड़ी है, पीछे ही खेत भी है जो हमारा ही है, तो यहाँ पे कुश मिलते हैं और खुरपी ले आए तो खोद के ले चलते हैं इसको। तो ये सब कुश के पौधे हैं। सरपत से थोड़ा अलग होते हैं और इनका पूजा में बहुत काम आता है, तो इतना हमने ले लिया है, पूजा संपन्न हो जाएगी। ये खेत हमारा ही है वैसे, इसमें जौ लगाई गई है। अब सिंचाई का टाइम आ चुका है क्योंकि देखिए ज़मीन सूख गई है। गांव है हमारा, चलते हैं घर पर। तो आज दीदी को सुल्तानपुर छोड़ने जाना था, तो हम लोग निकल पड़े हैं अपनी कार से। तो अभी हम तो पहुंच गए हैं अंतु। क्रॉसिंग बंद है क्योंकि ट्रेन जा रही है। तो भाई क्रॉसिंग खुल रही है, चलते हैं आगे। अब तो बस सुल्तानपुर पहुंचने में थोड़ी ही दूरी है। ये मंदिर बड़ा सुंदर लगा, आएंगे कभी यहाँ पे भी घूमने। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे, ये है सुल्तानपुर का मेन बस अड्डा, उसके सामने की रोड है मतलब। और इसके इस तरफ देखो, आप दाएं तरफ देखोगे यहाँ के फेमस स्वीट हाउसेस हैं, मतलब बढ़िया मिठाई मिलती है यहाँ पे। अवंतिका बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो फाइनली दीदी के घर पहुँचते हैं। यहाँ पे एक्वेरियम है और कुछ मछलियाँ इन्होंने पाल रखी हैं, गोल्ड फिश भी है शायद इसमें। तो दीदी को ड्रॉप कर दिया और हम लोग लौट रहे हैं वापस, तो प्रतापगढ़ होकर चलेंगे अभी कुछ सामान लेने। सफेद गुलाब चाहिए। सफेद गुलाब सब तो। तो हमें सफेद गुलाब का फूल चाहिए था पर वो तो नहीं मिला, पर हमने गुलाब के पेड़ ले लिए हैं कुछ। तो दाएं तरफ वो जो मंदिर दिख रहा है, ये है बेल्हा देवी, यहाँ पे भी आएंगे जल्दी। अभी प्रतापगढ़ पहुँच गए हैं हम लोग और यहाँ पे प्रतापगढ़ महोत्सव चल रहा है, वी एन मेहता संस्कृत विश्वविद्यालय जो। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे इंतजाम। कुछ दुकानें लगी दिख रही हैं। तो काफ़ी दुकानें तो हट गई, बंद हो रही हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग शाम हो गई लौट रहे थे, तो आए हैं तो देखो ये लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपना। तो अब चलते हैं घर की ओर, शाम काफ़ी हो गई है, ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है।
व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।